थपकी थपकी प्यार की। अब समय है ये बताने का कि आज की कसौटी पर कौन खरा उतरा है। और वो हूं मैं, श्रद्धा। आज के जीत का कलश तो मुझे ही मिलेगा। आज की इस कसौटी में भी तुम ही खरी उतरी हो थपकी। लो, नवरात्रों की दूसरी माता के कलश की स्थापना करो। एक मिनट मम्मी जी, लगता है आपसे कोई गलती हो रही है। ये कलश तो मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मैं जीती हूँ, थपकी नहीं। नहीं श्रद्धा, तुम नहीं जीती हो, क्योंकि तुमने संयम नहीं बरता, धीरज नहीं रखा तुमने। एक नहीं, कई कई बार तुमने उन बच्चों पर गुस्सा किया जो था। आई नो मम्मी जी, बट थपकी ने जो किया वो क्या था? मैंने तो गुस्सा किया, पर वो तो ज्वालामुखी की तरह फट रही थी, आग उगल रही थी, वो भी अपने घर के सदस्यों पर। वो क्या था फिर? हाँ, लेकिन वो आग बुराइयों को भस्म करने के लिए थी, अशुद्धियों को शुद्ध करने के लिए थी। जैसे हवन कुंड की अग्नि करती है। मम्मी जी, गुस्सा तो गुस्सा होता है ना। तो फिर ये बरक है श्रद्धा, तुमने धैर्य खोकर गुस्सा किया, संयम नहीं बरता, लेकिन थपकी ने संयम नहीं खोया। अगर थपकी भी तुम्हारी तरह अपना आपा खो बैठती ना, तो आज मैं तुम लोगों के सामने नहीं होती। थपकी ने जो गुस्सा किया वो गुस्सा नहीं था, थपकी ने आईना दिखाया हम सबको। वो सच्चाई दिखाई जो हम सब देख ही नहीं रहे थे। गलत को मिटाने के लिए किया गया क्रोध धर्म बन जाता है। माता रानी के काली रूप में क्रोध भी तो है, जिसकी वजह से असुरों का संहार हुआ। थपकी ने सही समय पर सही चीज के लिए आवाज उठाई, क्रोध किया, इसीलिए क्रोध और संयम की कसौटी पर भी थपकी ही खरी उतरी। इस कसौटी पर थपकी की जीत हुई है। आओ थपकी,
मैंने अपनी जिंदगी में इतनी हार कभी नहीं देखी जितना तुमने मुझे हराया था कि हर जगह हर वक्त सिर्फ मुझे हराती आई हो। आज तक तुमने ध्रुव को मेरे करीब नहीं आने दिया, एक उसकी माँ मेरे साथ थी तो उससे भी दूर कर दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी तुम्हें, मैं मार डालूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुम्हें मैं। श्रद्धा, श्रद्धा, इतनी जोर जोर से किससे बातें कर रही हो? मैं किसी से तो नहीं। ऑफ कोर्स कर रही थी, मैंने थपकी का नाम भी सुना है। हाँ वो हाँ मैंने थपकी का नाम लिया, लेकिन साथ में मैंने बिहान का नाम भी लिया जो तुमने सुना नहीं। वो मैं सोच रही थी कि बिहान ने कितने अच्छे तरीके से थपकी को प्रपोज किया है ना, तो बस उसी के बारे में सोच रही थी, तो मैंने थपकी का नाम लिया जो तुमने सुना, और बिहान का नाम जब लिया तो तुम नहीं सुन पाए। वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, आई एम श्योर वो फैमिली प्लानिंग करने के बारे में भी जरूर सोचेंगे। जब कोई एक दूसरे से इतना प्यार करता है तो बच्चे का होना प्रॉब्लम क्या है? नहीं, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तुम्हें मना किया ना कि थपकी का नाम मेरे सामने मत लो, फिर क्यों हर बात में थपकी का नाम लेकर आ जाती हो मेरे सामने? हाँ बोलो, वो भी जान बूझ के मुझे परेशान करने के लिए हर बात में थपकी थपकी थपकी। एक बात तुम कान खोल के सुन लो, आज के बाद थपकी या फिर बिहान का नाम मेरे अगर सामने लिया ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। बर्दाश्त तो मैं कर रही हूँ ध्रुव, शादी के दिन से आज तक हर वक्त हर घड़ी बर्दाश्त तो मैं कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ थपकी का नाम लेती हूँ, लेकिन थपकी का नाम तुम्हारे दिल में इस तरह बसा कि निकलने का नाम ही नहीं लेता है। ऊपर से तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो इतनी ऊंची आवाज में। You know what? आज तक मुझे इस तरह से कभी किसी ने ट्रीट नहीं किया जिस तरह से तुम मुझे ट्रीट करते हो ध्रुव। श्रद्धा, एक तो मैं पहली हर्ट हूँ, ऊपर से तुम मुझसे इस तरह बात करके मुझे और हर्ट कर रहे हो। Listen, I'm extremely sorry. Please रोना बंद कर दो। अच्छा ये लो, तुम जूस पियो, अपने लिए लेकर आई थी ना? हमारे लिए लेकर आई, मुझे लगा था ये जूस तुम मेरे साथ शेयर करोगे, पर मैं तो भूल गई थी कि तुम्हारे पास मेरे साथ शेयर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ गुस्सा और नाराजगी है और कुछ भी नहीं, नथिंग एल्स। अच्छा श्रद्धा, तुम प्लीज रोना बंद कर दो। अच्छा हम एक काम करते हैं, हम तुम्हारी विश पूरी करते हैं, हम ये जूस शेयर करके पीते हैं। तुम मेरे साथ ये जूस शेयर करोगे? हाँ, लेकिन तुम पहले अपना मूड ठीक करो। श्रद्धा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग श्रद्धा, लेकिन ये हम दोनों ऐसे ये सब क्या है? क्या हो ध्रुव? मतलब ये
हम दोनों ऐसे कैसे? I mean, श्रद्धा, क्या हुआ है? क्या हुआ हम दोनों के बीच में? वही जो एक पति पत्नी के बीच में होता है। नहीं, impossible है ये हो ही नहीं सकता। दोनों के बीच में श्रद्धा, बताओ ना, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, हुआ क्या है? कल रात को हम दोनों बहुत देर तक जागे थे, फिर तुम थक गए और सो गए, इसीलिए तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा। कैसे याद नहीं है मुझे, लेकिन मैं ये कैसे कर सकता हूँ? You don't listen, श्रद्धा। श्रद्धा, I'm really sorry, I'm extremely sorry. Calm down, Dhruv, calm down. तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? हम तो पति पत्नी है ना, और सच कहूँ तो कल रात के बाद से हम सही मायने में पति पत्नी बन गए हैं। ये नहीं हो सकता, it's not possible. मैं इस रिश्ते के लिए भी तैयार ही नहीं हूँ, ये कैसे हो सकता है? ये सब गलत है, ये सब, I'm extremely sorry, श्रद्धा, ये जो कुछ हुआ, it's completely wrong. Dhruv? I'm really sorry. Dhruv, मेरी बात तो सुनो, Dhruv. तो आप सबने इस घर को तो देख ही लिया है, तो अब हम इस घर की नीलामी शुरू करेंगे और देखेंगे कि कौन इस घर का कितना पैसा देता है। देखिए, मिनिमम 50 लाख रुपए से शुरू करते हैं, ओके? चलिए, 50 लाख एक, 50 लाख दो, 60 लाख। 60 लाख, ये हुई ना बात। 60 लाख एक, 60 लाख दो, 70 लाख। 70 लाख, 70 लाख एक, 70 लाख दो, 80 लाख। 80 लाख, 80 लाख। हाँ, चलिए चलिए आगे बढ़ते आगे बढ़ते। 80 लाख एक, 80 लाख दो, पूरे 1 करोड़। वो भी नगद। तो अंकल जी, तो भाई देखिए अंकल, आप 25 लाख रुपए अभी एडवांस दे देना, और बाकी के कितने बजे? 75। तो 75 लाख 10-15 दिन के बाद दे देना। ये घर आपका हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशन। रुकिए, इस घर को कोई नहीं खरीद सकता और ना ही कोई बेच सकता है। आप लोग जा सकते हैं। अरे ऐसे कैसे जा सकते? बेचना ही है तो क्यों बुलाया? अरे अरे रुके, अरे रुके, टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये तो डिस्चार्ज हो गया। फोन क्यों आ गया? चार्जर का बेहान उठे, उससे पहले फटाफट से मैं चार्जिंग पे लगा देती हूँ, फिर ना के रेडी हो जाऊंगी। से हमेशा दूर रहने को कहती और खुद बार बार आके उनसे टकरा रही हो। चाहती क्या हो तुम? पहले तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो बिहान? मेरी फोन की बैटरी लो गई थी, मुझे चार्जर चाहिए था, लेकिन नहीं, तुमने अपना फोन चार्जिंग पे लगा दिया चार्जर लेके। उसके बाद भी ये हमारी जो मर्जी होगी हम वो करेंगे। और हाँ, आज तक तुम हमसे कहती थी, अब हम तुमसे कहते हैं, हमसे हमेशा। कहाना पास मत आना, समझ में नहीं आता? मैं तुम्हारे पास आ भी नहीं रही हूँ बिहान, तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो, रास्ते के बीच में खड़े हो,
मुझे वो टॉफर लेना है, पूजा के लिए देर हो रही है, मुझे नहाने जाना है, क्योंकि हटो। ठीक है मत हटो, खड़े रहो तुम यहीं। हाँ एक बात कान खुल के सुन, आज के बाद गलती से भी हमारे रास्ते में मत आना, हमसे हमेशा एक फुट दूर रहना, वरना अच्छा नहीं होगा। ध्यान अभी जो हो रहा है ना वो भी काम अच्छा नहीं हो रहा है, बहुत ही बुरा हो रहा है। और अब एक फुट क्या, मैं तुमसे पूरे 2 फुट दूर रहूंगी और अब तुम भी मुझसे उतना ही दूर रहना, समझे? पहले हम जाएंगे। मैंने तुमसे बोला ना मुझसे 2 फुट दूर रहो बिहान, फिर मेरे पास क्यों आ रहे हो? हटो। देखो सुबह सुबह हमारा भेजा गरम मत कर, मैं बहुत जोर की लगी है इसलिए हमारा जाना जरूरी है, इसीलिए पहले हम ही जाएं। मेरा भी सुबह सुबह तुम मूड खराब मत करो बिहान, मैं अच्छे से जानती हूँ ये सब जो तुम बोल रहे हो ना ये सिर्फ बहाने और कुछ नहीं। ये सब बोल के तुम बाथरूम में जाना चाहते हो कल की तरह, जिससे मैं पूजा में जाने में लेट हो जाऊँ। तुम्हें जो कहना है वो कहना, लेकिन पहले हम ही जाएंगे। घर में और भी बाथरूम है, अगर तुम्हें इतना ही अर्जेंट है ना तो वहां चले जाओ। हटो अब। अरे सुन, हमने कहा था ना आज के बाद हमें ऑर्डर मत देना, अब तुम हमसे पहले जाके दिखाओ कभी। आज पूजा में तुम ये पहनने वाली हो? वाव, नाइस। हाँ, ज़िप एंड ऑल। अब की तुमने तो मेरा काम और आसान कर दिया। क्या? क्या सोचती हो? उस बुढ़िया वसुंधरा पांडे के सामने मुझे हमेशा नीचा गिराती रहोगी और खुद उसके सर पे चढ़ के बैठोगी? नो No way. अब आना इस ड्रेस को नीचे पहनकर सबके सामने सबके बीच। अब ये ड्रेस की जिप तुम्हें धोखा देगी थपकी, मुझसे मुकाबला करने चली थी। अरे मुझसे मुकाबला करना तो दूर, किसी के सामने आंख तक नहीं मिला पाओगी तुम। थपकी